नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। 9.23 का स्टॉक हो चुका है आज। कोई बहुत बड़ी रैली या गिरावट देखने को नहीं मिली है, बट ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो 52 वीक लगा चुका है। हर हफ्ते इसका जो 52 वीक है वो लग रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो 50% से ज़्यादा करेक्शन यहाँ पर आ चुका है। 18 रुपये का हाई था और वहाँ से 50% से ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल चुकी है। बात करेंगे इस वीडियो में, कुछ बड़ी खबरें हैं वोडाफोन आइडिया से संबंधित, क्या करना चाहिए, होल्ड करें, बाय करें, सेल कर दें, सब कुछ चर्चा होगी इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें वोडाफोन आइडिया की, दो बड़ी खबरें हैं यहाँ पे, कई सारी हैं वैसे तो, बट हाँ दो इंपॉर्टेंट है जो रिसेंट में आई हैं। अगर आप देखेंगे अक्टूबर 8 की खबर है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने इनको दोबारा से नोटिस जारी किया था क्योंकि बैंक की गारंटी मिस कर दी इन्होंने। जो बैंक की गारंटी होती है उसको मिस कर दिया, तो वोडाफोन आइडिया दोबारा से DoT से बातचीत कर रहा है कि ये जो रिमूवल है बैंक गारंटी का, नॉर्म्स का, उसको हटाया जाए कम से कम हमारे लिए, क्योंकि 70,000 करोड़ के आसपास का डेट है, AGR ड्यू है। सिर्फ AGR का अगर आप पेमेंट देखेंगे तो 70,000 करोड़ के आसपास का डेट है। और कंपनी ने कई सारी डेवलपमेंट की है रिसेंट, अगर आप देखें रिसेंटली, तो उसी को हवाला देते हुए वोडाफोन आइडिया ने बोला कि अगर कुछ दिनों के लिए ये जो गारंटी की बात है उसको हटा दिया जाए तो हम इस लायक हो जाएंगे दैट वी विल बी एबल टू पे द डेट्स। ठीक है, तो वो चीजें हैं यहाँ पे, कुछ अच्छी बातें हैं। एज एंड When the final decision is taken by the DoT, the company will make the necessary disclosure as required by the law. It added, Vodafone Idea had earlier requested the telecom department for a waiver for submitting bank guarantees, while telcos no longer need to guarantee airwaves purchasing option from 2022 onward. Earlier regulation required them to submit a bank guarantee equal to one annual installment. बात यह है कि 2022 के बाद हालांकि ये वेवर हटा दिया गया है पूरी तरह से, पर 2022 से पहले के जो लोन्स थे उनमें एक एनुअल इंस्टॉलमेंट के बराबर की बैंक गारंटी इनको देनी होती है। तो वो चीजें हैं यहाँ पे, अटका हुआ है काम अभी भी इनका। वोडाफोन आइडिया में बड़ी राहत तभी आएगी जब अपना जो 70,000 करोड़ के आसपास का AGR पेमेंट है उसमें कटौती करना स्टार्ट करेगी कंपनी। तब सितंबर 22 अवार्डेड मेगा $3.6 बिलियन की डील हुई थी। मैंने आपको बताया भी था कि $3.6 बिलियन की डील नोकिया एरिक्सन और सैमसंग के साथ हुई थी। 3 साल का इनका कैपेक्स था कि $6.6 बिलियन के आसपास इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करना है। तो ये सारी खबरें काफी पॉजिटिव भी रही थी। अब दोनों चीजें हैं यहाँ पे, पॉजिटिव खबर भी है, नेगेटिव खबर भी है। एक अच्छी बात ये भी रही कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी ने GDP ग्रोथ रेट को 7.2 पर दिखाया और साथ में ही आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट को कट डाउन करने की भी बात की जा रही है। यहाँ पे CPI इन्फ्लेशन हो गया आपका, WPI इन्फ्लेशन हो गया, उसको रिटेन करने की बात चल रही है कि ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है। बाकी दिसंबर से रेट कट यहाँ पर आ सकते हैं। अगर रेट कट आता है तो टेलीकॉम इंडस्ट्री को भी बड़ा मुनाफा यहाँ पर होगा, बड़ा फायदा होगा, एटलीस्ट इनके इंटरेस्ट पेमेंट पे तो वो असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक और चीज रही कि वोडाफोन आइडिया में बहुत सारे दो गुटों में लोग बटे हुए हैं। 2.5 रुपए का भी टारगेट आ रहा है, 15 रुपए का टारगेट भी आ रहा है, और सिटी बैंक का 22 रुपए का टारगेट भी यहाँ पर आ रहा है। माने किसकी बात, तो सेल रेटिंग भी है, बाय रेटिंग भी है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आई वुड से कि देखिए, जो आपको फिजिबल लगता है, आपको लगता है कि कंपनी लॉन्गर पीरियड में अच्छा काम करेगी तो यहाँ पर होल्ड करके चलना चाहिए। अगर आपको लगता है सेल कर देना चाहिए तो दोनों ही तरीके से आप सही हैं। कंपनी में प्रॉब्लम्स हैं, कंपनी 6 महीने में साल भरे में 9 रुपए से 90 रुपए का सफर नहीं तय कर पाएगी, ये तो तय है। बट 9 रुपए से 18 रुपए का सफर तय करेगी या नहीं, ये बहुत ही फिजिबल है, बहुत ही पॉसिबल है। यहाँ पे जिस तरह की डील्स यहाँ पर हो रही हैं, सिटी बैंक का 22 रुपए का टारगेट आया है, तो वो एक सालाना टारगेट ये कि एक साल में 22 रुपए तक जाएगी। साथ में अगर आप देखिए तो 15 रुपए का टारगेट भी यहाँ पर है, 19 रुपीज का टारगेट भी यहाँ पर है BofA की तरफ से, UBS की तरफ से। UBS का टारगेट अराउंड 16-17 रुपए के आसपास का है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया में बड़े टारगेट्स भी यहाँ पर हैं। तो आई वुड से देखिए, जो भी अगर आपको टारगेट लेकर के चलना है वो आप इस तरीके से लेकर के चले कि एक तो 6 से 7% से ज्यादा का पोर्टफोलियो एक्सपोजर इस स्टॉक में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप टेलीकॉम में निवेश करना चाहते हैं तो हेजिंग के लिए कम से कम कुछ यहाँ पे एयरटेल, भारतीय एयरटेल वगैरह के स्टॉक्स भी आप रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री में आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली की संभावना यहाँ पर बन रही है। रीजन बीइंग कि 5G को रोल आउट करना है इंडिया वाइड, और अभी के लिए अगर आप बात करें तो वोडाफोन आइडिया के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस काम को कर सके। ऐसे में एयरटेल एक ऐसी कंपनी बन जाती है जो आने वाले दिनों में 5G रोल आउट के बाद सबसे बड़ी कंपनी बनेगी और सबसे ज्यादा मुनाफा वहां पर आपको मिल सकता है। ऐसे में भारतीय एयरटेल की तरफ भी आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जियो अभी लिस्टेड नहीं है तो वो अलग चीज हो जाएगी। बट हाँ, अभी के लिए जब वो लिस्ट होगी तो वो बात करेंगे, बट अभी के लिए भारतीय एयरटेल इज द बिगेस्ट कंपनी, बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडियन मार्केट, तो उसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। आप दो चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे, एक तो 11 रुपए का FPO प्राइस था, जब तक उसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक बड़ा स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो
₹11 के ऊपर निकलना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट पर अगर आप देखिए तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि 11 से अगर नीचे गया तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और जैसे ही 11 के नीचे गया 200 डेमा से भी अपने नीचे आ चुका है स्टॉक, आपका 200 डेमा से भी नीचे आ चुका है, यानी कि बहुत ही बेरिश जोन बना हुआ है, ओवरसोल्ड जोन यहाँ पर आ चुका है। तो ओवरसोल्ड जोन अगर यहाँ पर आ चुका है, इसका मतलब है कि यहाँ से एक अच्छी ठीक ठाक रिकवरी की उम्मीद आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, और वो अगर रिकवरी 11 के ऊपर स्टॉक को लेकर के जाती है तो वहां से एक बड़ी रैली 13 से लेकर के 15 के बीच में आ सकती है। स्टॉक ने पिछले दिनों काम अच्छा किया है, अगर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की तरफ से एक अच्छी खबर आ जाती है तो वहां से कंपनी को थोड़ा सा और स्ट्रेंथ मिलेगा, स्टॉक को थोड़ा और स्ट्रेंथ मिलेगा। यहाँ पर देखने वाली चीज रहेगी तो डीओटी का डिसीजन क्या होता है, दूसरा एरिक्सन की तरफ से एक और डील यहाँ पर साइन हुई है, उसका अगर सक्सेसफुल वो भी हो जाती है तो कंपनी के लिए थोड़ा सा और पावरफुल स्ट्रेंथ आएगी बाजार में। तो ये चीजें देखिए आप। बाकी लोअर एंड पे अगर आप बात करें तो एक बड़ा सपोर्ट लेवल आपका आप ₹7.50 के करीब में है, ये आपका सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टॉक आपका रुकना चाहिए, वेट करेगा, यहाँ पे ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है तो एक सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। अभी के लिए ₹9 के आसपास का स्टॉप लॉस अगर कोई रिसेंटली बाय किया है तो उसके लिए हो सकता है, बाकी देखिए लॉन्ग टर्म के लिए जाना है शॉर्ट टर्म के लिए जाना है ये डिसीजन टोटली आपका होना चाहिए। कैसी कंपनी है जो नियर टर्म में काफी वीक देखने को मिल रही है, तो खरीदारी करने से बचें अगर अभी तक आपने बाय नहीं किया है, और वो लोग जिन लोगों ने बाय कर रखा है उनका पर्सपेक्टिव कितना लंबा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप यहाँ से प्रॉफिट बना के निकलेंगे या फिर लॉस में ही निकलेंगे। कंपनी ठीक है, बेहतर है, अच्छा खासा मार्केट शेयर ओन करती है, लंबे समय का जो नजरिया है वो काफी बेहतर है, चाहे आप सिटी की बात करें, चाहे बोफा की बात करें, चाहे यूबीएस की बात करें, टारगेट्स भी काफी अच्छे आए हैं यहाँ पे। तो आई वुड से देखिए लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव तो काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर आप बात करें, शॉर्ट टर्म में मुझे यहाँ पे कोई बहुत बड़ा अपसाइड देखने को इस समय कम से कम नहीं मिल रहा है। दूसरा जो नेगेटिव साइड है वो ये भी है कि अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। आज का बाजार भी अगर 11:30-12 बजे के करीब में रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब मैं, तो मार्केट आपका लगातार ड्विंडल कर रहा है, तो लगभग 0.5% अपर साइड या 0.5% डाउन साइड पर इतना ही रेंज रहेगा। बहुत ज्यादा गिरावट मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा तेजी की भी मैं उम्मीद यहाँ पर नहीं करके चल रहा हूँ। मार्केट आज थोड़ा स्लो मूविंग रहने वाला है क्योंकि आज आप देखिए वोलेटिलिटी भी आज बढ़ेगी, तो वो चीज यहाँ पर रहने वाली है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जब तक FII की बिकवाली चलेगी तब तक बड़ी रैली की उम्मीद, बड़ा बुलिश पैटर्न यहाँ पर नहीं बनेगा। तो बिकवाली जब तक नहीं रुकते हैं तब तक के थोड़ा सा अवर्स रिक्स इस अवर्स होकर के चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। मार्केट को लेकर के राय मेरी यही है कि बाजार तब तक स्ट्रेंथ नहीं गेन करेगा, कंसोलिडेट करे इस लेवल पे 25,000-25,500 के करीब में आकर के कंसोलिडेट करे कुछ दिनों के लिए, और वहां से FII की सेलिंग जो रिड्यूस हो रही है लगातार कम हो रही है। कल भी 3200 करोड़ के आसपास का माल बेचा 9,000 करोड़ से घट करके, तो मुझे लगता है जब तक FII की बाइंग में कन्वर्ट नहीं होता और बाजार आपका अच्छा खासा कंसोलिडेशन का फेज नहीं निकाल लेता है, तब तक के लिए बाजार में बुलिश रैली की संभावना थोड़ी सी कम है। ऐसे में थोड़ी खरीदारी जो है अच्छे स्टॉक्स में करें, अच्छे बड़े टिकट साइज बड़े मार्केट साइज के कंपनीज में करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या आप इस स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट, अगर पूछना हो तो थैंक यू।